बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम हुरम शहजाद है और ये वीडियो इसलिए आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है कि लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम पाकिस्तान या किसी भी दूसरे कंट्री जैसा कि इंडिया, बांग्लादेश या फिर किसी भी थर्ड कंट्री में बैठ के चाइना में कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, करवा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप करवा सकते हैं। नंबर टू, आप अपना वर्क वीजा या जी वीजा पाकिस्तान से बैठ के डायरेक्ट, अगर आप फ्रेश हैं, पहले चाइना नहीं आए तो क्या आप ले सकते हैं, या पहले आपको चाइना आना पड़ेगा उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप पाकिस्तान में बैठ के या किसी भी थर्ड कंट्री में बैठ के वहां बैठ के इस वीजा का प्रोसेस करवा सकते हैं। यहां से आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा और आप वहां से ही वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए नहायत ही आसान तरीका है और चाइनीज ने इसके लिए बहुत ही सहूलत फराहम की है आप लोगों को कि यहाँ पे आपको ओरिजिनल इसके वर्क परमिट नोटिफिकेशन या किसी किस्म के भी चाइनीज इनविटेशन की जरूरत ओरिजिनल की नहीं पड़ती, क्योंकि ये बार कोड इनविटेशन होते हैं और एम्बेसी में वहां पे स्कैन हो जाते हैं। जस्ट इसकी फोटो कॉपी पकड़े या प्रिंट आउट लें और जाके अपना वीजा अप्लाई करें। अभी लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हम चाइना आते हैं बिजनेस वीजे पे और यहाँ पे आके अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, आया कि ये मुमकिन है कि हो पाएगा या नहीं? मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं और वो तरीका बताऊंगा जिससे आपका एक्सपेंस सबसे कम लगे इससे। कि अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से या फिर किसी कंट्री से बिजनेस वीजा अरेंज करवाते हैं, बिजनेस वीजा के लिए आपको पता है आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट के इन्विटेशन की जरूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट का इन्विटेशन जाहिर बात है आपको ऐसे ही तो फ्री में नहीं कोई भी देगा, इसके लिए वो चार्ज करेंगे कितना, ये आपके मिनिमम भी कहेंगे तो आपको 150 यानी 1,50,000 तक, आपको सस्ता भी कोई दे तो इतने में देगा। तो इसके बाद आपने इस पे वीजा प्रोसेस, जेरी के चार्जेस और आपने टिकट भी लेनी है, ये आपका तकरीबन एक्सपेंस चाइना पहुंचने तक आपका बढ़ जाएगा तकरीबन 3.5 से 4 लाख में। यहाँ पे आपने रहना है, वापस जाना है और फर्ज करें आपने वीजा ले भी लिया और यहाँ पे आते हैं, यहाँ आपको वीजा कितना मिलेगा? मैक्सिमम वीजा आपको मिलेगा 20, 25 या 30 दिन का। 30 दिन में आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन और आपका वीजा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसके लिए बेहतर यही है, अगर आपने ये इरादा किया है कि यहाँ का आपने जी वीजा या फिर यहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड करवा के उसमें से आपने वीजा लेना है, तो आप वहां से बैठ के ये सारा प्रोसेस, ये सारा प्रोसीजर यहाँ पे करवा सकते हैं। किसी भी कंसल्टेंट, किसी भी लॉयर या फिर आप मेरे थ्रू भी प्रोसेस करवा सकते हैं। तरीकाकार क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे, मोस्टली वीडियो में मैंने बताया हुआ इसके लिए डॉक्यूमेंट्स, लेकिन फिर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वहां पे बैठ के आपने सिर्फ और सिर्फ सभी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी जो है वही फ्राहम करनी है, वही प्रोवाइड करनी है। लोग डर जाते हैं यार कि चाइना में वो लोग मांग रहे हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं मांग रहे, पासपोर्ट नहीं मांग रहे, पुलिस करेक्टर नहीं मांग रहे और इस तरह की चीजें ओरिजिनल नहीं वो मांग रहे, तो आया कि ये प्रोसेस तो नहीं होगा। यहाँ पे जो इसका तरीका है, चाइनीज रिक्वायरमेंट है कि इनके पोर्टल पे आपने हर चीज अपलोड करनी है, तो ये स्कैन कॉपी वो मांगते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं करते। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तभी आपको चाहिए होंगे जब आप पाकिस्तान से इसका वीजा लेंगे, वीजा लेके यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपका वीजा रिन्यू होगा तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करवाएंगे इंक्लूडिंग योर पासपोर्ट। तो ये है कि सबसे पहले क्या होता है, आपने अगर यहाँ पे कंपनी बनानी है तो आपको एक चीज नोट करनी है, आपका पासपोर्ट का पहला पेज जो होगा और आपका पुलिस क्लीयरेंस, ये दो डॉक्यूमेंट आपके चाहिए होंगे एम्बेसी से वेरीफाइड। उसका तरीका अगर ये है कि पासपोर्ट की जस्ट आप कलर कॉपी करवा लेंगे पहले पेज की और उसे लेके जाएंगे फॉरेन अफेयर में, फॉरेन अफेयर में आप अटेस्ट करवाएंगे वहां से मोफा से वेरीफाई करवाने के बाद आप इसे जेरी में सबमिट करवाएंगे, जेरी वाले आपको एम्बेसी से अटेस्ट बकायदा करवा देंगे और आप वो चाइना में सेंड करेंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट जो है यहां पहुंचेंगे, उस बेस पे आपकी कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद अगला मरहला जो आता है वो आता है आपके वर्क परमिट का, आपका वर्क वीजा जिसे जी वीजा भी कहते हैं। जब आपको लाइसेंस मिल जाएगा तो फिर उस बेस पे आपका वीजा जो है यहां से निकल आएगा, वो जी वीजा का इन्विटेशन होता है, वर्क नोटिफिकेशन लेटर जिसे कहते हैं। जब वो इश्यू होगा तो वो आपको वहां पे सेंड किया जाएगा, आप उसका वहां पे प्रिंट आउट लेंगे, प्रिंट आउट लेने के बाद आप वीजा अप्लाई करेंगे। वीजा अप्लाई करने के बाद आपको 3 से 4 दिन में नॉर्मली एम्बेसी से मिल जाता है आपका पासपोर्ट। वीजा उसमें कौन सा होता है, वीजा होता है जी वीजा 00 कैटेगरी में, वो ऊपर उन्होंने मेंशन किया होता है कि आपने चाइना जाके 1 माह के अंदर अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना होता है।
फिर वो लेके आप चाइना आते हैं, चाइना में आके आप अपना वर्क कार्ड अप्लाई करवाते हैं। वर्क कार्ड जो के अमूमन 7 से 10 दिन में मिल जाता है। जब आपका वर्क कार्ड मिल जाता है तो उसके बाद आपका वीजा की रिन्यूअल हो जाती है। जस्ट ये इतना प्रोसेस है। दूसरा है कि क्या आप वहां बैठ के अगर आपने कंपनी रजिस्टर नहीं करवानी और किसी कंपनी से आप वर्क परमिट लेना चाहते हैं तो भी ये आप ले सकते हैं। इसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, यही आपने उसके लिए आपको पासपोर्ट का पहला पेज है उसकी जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए आपको जो आपका पुलिस करेक्टर है वो अपने मोफा से यानी कि फॉरन अफेयर और फिर एम्बेसी से वेरीफाई करवाना है, और इसके लिए आपकी जो फाइनल डिग्री होती है, ये दो डॉक्यूमेंट आपने फॉरन अफेयर और एम्बेसी से वेरीफाई करवा के उस बेस पे वीजा लेना होता है। इसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको? 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर होता है, यानी कि आपने जहां पे जॉब की है जिस कंपनी में भी आपकी अपनी कंपनी है या फिर किसी कंपनी में आपने जॉब किया, 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर वो अपनी तरफ से लिखेंगे, आपको दे बना के देंगे और साथ में अपनी स्टैंप लगाएंगे और सिग्नेचर करेंगे। इसके अलावा आपकी पिक्चर चाहिए होती है, व्हाइट बैकग्राउंड में आपका मेडिकल चाहिए होता है, और इन्हीं डॉक्यूमेंट की बेस पे आपको वीजा मिलता है। जी वीजा आसान होता है इसलिए कि ना कि आपको वहां पे अगर आप बिजनेस वीजा अप्लाई करते हैं उसके लिए आपको एनटीएन की जरूरत पड़ती है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बैंक स्टेटमेंट, ये सारा डॉक्यूमेंट, और फिर भी उस पे आपका रिफ्यूजल का डर जो है वो आपको रहता है कि वो वीजा आपका रिफ्यूज भी हो सकता है। रिफ्यूज होता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर जी वीजा लेते हैं, वर्क वीजा लेते हैं, तो इसके लिए ना तो आपको एनटीएन चाहिए, ना ही आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना ही इस तरह का कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके लिए वही आपका जो इनविटेशन यहां से आएगा वो होगा, आपका पुलिस करेक्टर होगा और आपका मेडिकल। मेडिकल की भी जरूरत आपको वहां पे नहीं पड़ती, उसकी यहां पे जरूरत होती है। जस्ट आपने सिंपली वीजा फॉर्म फिलअप करना है और यहां से जो डॉक्यूमेंट्स आपको भेजे जाएंगे वो लेके आपने जेरी में चले जाना है। जेरी में जाके सबमिशन करवानी है, 3 से 4 दिन में आपको वीजा मिल जाएगा। वीजा मिले के आप किसी भी टाइम फ्लाई कर सकते हैं चाइना के लिए। तो व्यूवर्स यहाँ पे मुफ्त में मशवरा देता हूँ, एक आपको फ्री में, अगर आप कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो इसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए या किसी भी मुल्क से आप करवाना चाहते हैं तो वहां से बैठ कर करवा सकते हैं। इसमें आपका पैसा और टाइम दोनों बचेंगे, क्योंकि आजकल चाइना के लिए टिकट्स भी बहुत एक्सपेंसिव है। आपको जो टिकट 40-50 हज़ार में मिलता था वो अब कोविड के बाद आपको 1.5 लाख में मिल रहा है। तो ये है कि दूसरी बात आ रही है टाइम ड्यूरेशन, अगर आप करवाना चाहते हैं कंपनी और वीजा, इस पे कितना टाइम लगेगा? टाइम तकरीबन मैक्सिमम 1.5 से 2 माह इस पे ना लगते हैं, जिसमें आपके दोनों प्रोसीजर, दोनों प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपका लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस के बाद आपका रेजिडेंस वीजा मिलता है, और रेजिडेंस वीजा के बाद आप पाकिस्तान में अपना एम्बेसी में प्रोसेस करवा के यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ में भी यार प्रोसेस आपका सिंपल ही होता है कि आपको यहाँ पे मुख्तलिफ सिटीज जो है उनका मुख्तलिफ है कि कुछ हम जो सिटीज में वहां पे आप सबमिशन के बाद 7 दिन में पासपोर्ट ले सकते हैं, कुछ सिटीज ऐसे हैं छोटे जहाँ पे 10 से 15 दिन लगाते हैं, और कुछ सिटीज ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको 20 से 25 दिन बाद पासपोर्ट मिलता है। यानी कि आपने जहाँ पे आपने पासपोर्ट सबमिट करवाया है वो आपको एक स्लिप देंगे, वो स्लिप है जो उस पे आप कहीं भी पूरे चाइना में ट्रेवल कर सकते हैं। वो समझे कि आपका सबमिशन के बाद वही आपका पासपोर्ट है, उस पे बारकोड बना होगा। अगर आप प्लेन की टिकट, ट्रेन टिकट जो भी आप लेना चाहते हैं तो जस्ट आपने वो दिखा के ले लेनी है टिकट, और उस पर आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपने जस्ट वीजा अप्लाई किया, वो उसकी स्लिप ली, और आपने जहां भी घूमना है पूरे चाइना में आप घूम सकते हैं गोल गोल। तो ये है कि जब आपकी वो डेट आएगी रिसीविंग की, रिसीविंग डेट, आप जस्ट किसी को भी वो अपनी स्लिप वो कुरियर करें, जो भी आपका दोस्त भाई वहां पे है तो वो आपका पासपोर्ट रिसीव करेगा, और आप जहां भी चाइना में होंगे वो आपको यहाँ पे ख्वैती बोलते हैं यानी कि कुरियर करवा देगा, और 2 दिन में आपका पासपोर्ट आपके पास। ये वी वीजा जो है ये मल्टीपल एंट्रीज होती है, मल्टीपल आप इस पर रोज ट्रेवल कर सकते हैं, रोज आए रोज जाए, इसमें लामहदूद एंट्रीज है। यानी कि इसकी वैलिडिटी की बात करें, वैलिडिटी इसकी जो होती है वो 1 साल होती है, 1 साल बाद आपका ये वीजा जो है वो एक्सपायर हो जाता है। अगर आप इसकी रीन्यूअल लेना चाहें रीन्यूअल, तो रीन्यूअल भी आपको मिल जाती है। अगर आप इसे छोड़ना चाहें तो 1 साल बाद आप इसे छोड़ भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।